स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश पिछड़ क्यों रहा है? 138 करोड़ की आबादी में लगभग 60 करोड़ नौजवान और मजबूत अर्थव्यवस्था होने के बावजूद आखिर चीन से पीछे हम क्यों है? दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहा जाने वाला चीन आखिर इतना आगे कैसे निकल गया? तो इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना वक्त गवाए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं कि आप अपनी कोई भी राय बनाने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य चीन की बड़ाई करना और अपने देश की बुराई करना हरगिज नहीं है, बल्कि ये एक फैक्ट्स पे बेस्ड वीडियो होगी, जिससे हो सकता है हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके और खुद को सही दिशा में आगे ले जा सके। आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिए, उसके बाद ही कोई अपनी राय बनाए और नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। भारत और चीन दो ऐसे देश जिनकी विरासत में तो ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन इनकी प्रेजेंट कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे देश को चीन से लगभग 2 साल पहले आजादी मिली थी, फिर भी डेवलपमेंट के मामले में आज चीन भारत से मीलों आगे है। इतनी आबादी होने के कारण भी आखिर वो कौन सी वजह है कि चीन ने भारत को पछाड़ दिया है? साल 1960 तक भारत विश्व में सभी देशों से आगे था, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थित भ्रष्टाचार और लूट के कारण बाकी देशों से पिछड़ता चला गया। चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और यहाँ हमारे देश में कुछ वक्त पहले वर्ल्ड के टॉप 5 इकोनॉमीज में आने की खुशियाँ मनाई जा रही थी। भले ही वर्ल्ड इकोनॉमी में चीन हमसे 3 पायदानी आगे है, लेकिन आपको दोनों इकोनॉमीज के बीच का अंतर समझना जरूरी है। यहाँ एक तरफ भारत की 2018 में नॉमिनल GDP के हिसाब से इकोनॉमी 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स की है, वहीं दूसरी तरफ भारत से 6 गुने से भी ज्यादा चाइना की 2019 की एस्टिमेटेड इकोनॉमी 14.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। और ये तो मार्केट में चीन के प्रोडक्ट्स की भरमार देख के भी समझा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट से लेकर इकोनॉमी तक, तकनीक से लेकर हथियारों तक, हम चाइना से कई मामलों में पीछे है। दुनिया के बड़े देश मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को पहली प्रीफरेंस देते हैं। दोस्तों इसका कुछ तो कारण होगा। चीन रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपनी GDP का करीब 2.5% खर्च करता है, जबकि भारत सिर्फ 0.8% ही खर्च करता है। चीन में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियां है, जबकि भारत में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियां है। दोस्तों कोई तो कारण है कि हमारी ट्रेन चाइना से धीमी है। दोस्तों इसका पूरा का पूरा दोष हमारे एजुकेशन सिस्टम को जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के स्थापित किए गए इस एजुकेशन सिस्टम ने क्रिएशन, इन्वेंशन और इनोवेशन को पूरी तरह से मार डाला। इन्हें अहमियत ही नहीं दी गई है, जिसका परिणाम ये हुआ कि बदलते समय के साथ साथ हमारी वर्कफोर्स इंडस्ट्रीज की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई, और रही बची कुची कसर भ्रष्ट और नाकाबिल नेताओं ने पूरी की। चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, आजादी के बाद किसी भी सरकार ने ये जहमत नहीं उठाई देश की एजुकेशन प्रणाली को रिव्यू कर लिया जाए। जो सिस्टम अंग्रेजों को अच्छे नौकर दे देता था, वही सिस्टम इन राजनेताओं को अच्छे नौकर दे रहा है। अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में भी तो चीन भारत से बहुत आगे है। भारत की 138 करोड़ की जनसंख्या में 74.04% लोग ही सिर्फ पढ़े लिखे हैं, जबकि चाइना में 96% से ज्यादा लोग एजुकेटेड है। भारत में स्कूल कॉलेजेस तो बहुत खुल गए, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी में खास सुधार नहीं आया। किसी भी देश के व्यापार में नए नए आविष्कारों की खोज में आगे बढ़ने के लिए उस देश के लोगों को अच्छी शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन भारत आज भी इस मामले में चीन से बहुत पिछड़ा हुआ है। चाइना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। चाइना ने पिछले 5 दशकों में अपनी 60 करोड़ जनसंख्या को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला है। जिस तरह भारत में गूगल सर्च इंजन इस्तेमाल किया जाता है, चीन में उनका ही अपना सर्च इंजन है। बस इतना ही नहीं, उनका अपना फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है। अगर भारत की बात करें, भारत की होम ग्रोन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को भी US बेस्ड कंपनी वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। वहीं दूसरी ओर चीन का अलीबाबा ग्रुप पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स बेचता है। हमें भी दूसरे देशों से उनके बने हुए सामान खरीदने की आदत पड़ चुकी है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो, चाइनीज फूड हो या फिर कपड़े। हमारा देश बस एक सस्ते मजदूरों का देश बनके रह गया है, जिसका इस्तेमाल बाहर से आई कंपनियां बखूबी कर रही है। दोस्तों अगर GDP पर कैपिटा के हिसाब से बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति की सालाना कमाई 1,50,000 है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो हर प्रति इंसान की सालाना कमाई 9,60,000 है। वहीं अगर इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो भारत में इन्फ्लेशन रेट 4.74% है, जबकि चाइना में इन्फ्लेशन रेट 2.48% है। इलेक्ट्रिसिटी की भारत में हमेशा से ही दिक्कत रही है, बल्कि चाइना के पास एक्स्ट्रा बल्क में इलेक्ट्रिसिटी पड़ी हुई है। अगर बात करें सैन्य बल की तो चीन के पास 21,90,000 की सेना है, जबकि भारत के पास 14 लाख की आर्मी है।
रक्षा बजट से लेकर निवेश में चाइना भारत से कई गुना आगे है। आज दुनिया में लगभग 25% चीजों का निर्माण चाइना कर रहा है। दुनिया के 80% एयर कंडीशनर्स, 70% मोबाइल फोन्स, 74% सोलर सेल्स, 60% सीमेंट, 60% शूज, 50% स्टील, 45% शिप्स का निर्माण चाइना अकेले कर रहा है। यहाँ तक कि दुनिया का 50% सेब भी चीन से ही आता है। दोस्तों, इस वक्त 2022 में 21.8 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना है आफ्टर यूएसए। आपको बता दें कि साल 1978 तक चीन एशिया और अफ्रीका के पिछड़े हुए देशों से भी कई ज्यादा पिछड़ा हुआ था। अब हर साल चीन जीडीपी में 10% की बढ़ोतरी कर रहा है। चीन दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनाता है, जिससे वो दूसरे देश की मार्केट के कंपैरेटिव बहुत ही कम दामों पे एक्सपोर्ट करता है, जिससे दूसरे देशों की इकोनॉमीज पर असर पड़ता है। यूएसए, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस देशों के इन्वेंशंस की नकल करके हूबहू उनके जैसा प्रोडक्ट बहुत ही कम दामों पर तैयार करना चीन की खासियत है। वहीं भारत के लोगों में ग्लोबल एक्सपोजर की कमी है। जहां भारत बस एक सस्ते मजदूरों का देश बनकर रह गया है, वहीं दूसरी तरफ अब चीन के मजदूर सस्ते नहीं हैं, बल्कि बेहद प्रोडक्टिव भी है। चीन में दूसरे देशों की तरह सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक एक सिटी बनाई गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाइना भारत से बहुत आगे है, क्योंकि वो किसी भी योजना में आने वाले अगले 25 सालों तक की तैयारी करके चलता है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसका कारण है कि हमारा देश एक देश की तरह नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के आधार से सोचता है। दूसरी तरफ अगर हम चीन का बनाया हुआ सामान खरीदना बंद कर दे, कई हद तक हम चीन को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि भारत चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन उसके लिए बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का उत्पादन करना होगा, वो भी कम दामों पर। हमारे देश को जरूरत है एक ग्राहक की भूमिका से एक आविष्कारक बनने की, ताकि अपने ही देश का सामान इस्तेमाल कर आतंकवाद में हो रहे योगदान को रोके, साथ ही अपने देश में बनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करके देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करे। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया होगा, आखिर चीन भारत से आगे क्यों है और इस बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें, ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।